नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। सूबे में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। शासन प्रशासन के लोग चुनाव खार्ज में व्यस्त है और वहीं बहसीपन से बाज नहीं आ रहे। बक्सर पटना समेत कई जिलों में पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते ये अपराधी कौन है, आज विधि व्यवस्था और महिला सुरक्षा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। अपने पिता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दिल्ली में असामयिक निधन हो जाने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सेवा सहयोग के लिए लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने आभार जताया है। भाजपा ने दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर काम में तेजी ला दी है। तीसरे चरण के लिए 81 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। विदित हो कि बिहार में इनका गठबंधन जदयू, हम और वीआईपी के साथ है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल कीबोर्ड के सहारे चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उनके दो दिवसीय भाषण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभाएं उन क्षेत्रों की जनता एवं नेता के लिए निर्धारित है जहां पहले चरण का चुनाव होना है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने थानेदारों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाएं और शराब के धंधेबाजों पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने यह भी कहा है कि मतदाताओं को धमकाने वालों को सलाखों के पीछे डालें। पालीगंज मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के बूथों पर शाम के 4 बजे तक ही वोट डाले जा सकेंगे। पहले चरण के लिए मतदान से पूर्व की तैयारियां की जा रही है। महागठबंधन की ओर से एक घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन सूबे के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उस पर तंज कसते हुए कहा है कि वे लोग घोषणा पत्र नहीं श्वेत पत्र जारी करें। इस बार चुनाव प्रचार के समय प्रत्याशी अपने क्षेत्र के लोगों से जैसे ही वोट मांग रहे हैं, ठीक वैसे ही जनता उनके द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब किताब भी मांग रही। मुस्कान में छुप जाती है जुबान। बिहार के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की दो प्रमुख पार्टियां भी किस्मत आजमाने के लिए उतरने वाली है। एनसीपी 150 सीटों पर जबकि शिवसेना 50 सीटों पर भाग आजमा रही है। पहले इस बात की संभावना थी कि महाराष्ट्र की दोनों पार्टी महागठबंधन से ही लड़ेंगी। शारदीय नवरात्र की तैयारी भी चुनाव के साथ हो रही है। इस बार 17 अक्टूबर को कलश स्थापन होना है। चुनाव के साथ कोरोना संक्रमण पर भी लोगों की नजर है। पूजा को लेकर कोरोना गाइडलाइंस भी जारी किए। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।